श्याम एक पुस्तक 320 में बेचा तो उसे 20% की हानि हुई, तो उसे कितना में बेचता तो 25% की लाभ होता। श्याम सोल्ड अ बुक फॉर 320 देन हीस हैड लॉस ऑफ 20%, देन हाउ मच वुड ही सेल इट सो डैट देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 25%। देखो यहाँ पे एक श्याम नाम का लड़का है जो एक पुस्तक को, किताब को 20% हानि पर बेचता है, 320 रुपये में बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है। तो वो अगर उस किताब को कितना में बेचता कि उसे 25% का लाभ होता। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू दिया हुआ है SP का, बेचा गया वैल्यू, SP मतलब ₹320, ठीक है, बेचा हुआ वैल्यू 320 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट नहीं, लॉस परसेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 20%, लॉस ऑफ 20%, मतलब 20% हानि हुई है, लॉस हुई है, तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 20%, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है कि वो कितना में बेचता तो उसे 25% की लाभ होता। तो वो श्याम जो चाहता है कि हमें, श्याम चाहता है कि हमें 25% का प्रॉफिट हो, तो 25% प्रॉफिट होने के लिए SP का वैल्यू होना चाहिए 125%, तब तो वो प्रॉफिट पाएगा ये 25% का, 100 में ये 25% प्रॉफिट पाएगा, ठीक है। उसके बाद जो SP का वैल्यू हो जाएगा वो लॉस हुआ है 20% यहाँ पर, तो लॉस हुआ है, तो 80% का जो वैल्यू है यहाँ पे वो 320 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 80% बराबर 320, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकालना है 125% का वैल्यू, 25% प्रॉफिट पाने के लिए हमें निकालना है 125% का वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा, इससे है 5 गुना है, सॉरी 4 गुना है, इससे भी 4 गुना कर देंगे, हो जाएगा 500 आंसर, जो कि हमें 25% प्रॉफिट के लिए हमें ₹500 में वो बेचना होगा,